वी द पीपल, हम भारत के लोग। हम जब ये कहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और भगवान बुद्ध ने जो संगठन बनाने के, संघ बनाने के, लोगों को इकट्ठा करने के जो नियम दिए हैं दुनिया के सबसे पहले और भारतीय नियम हैं उन पर चलेंगे, तो कोई आदमी ये सोच सकता है, ये कह सकता है कि भगवान बुद्ध का जो संघ था वो उसमें संघ नायक थे, इसका मतलब यहाँ भी कोई संघ का नायक रहेगा। दरअसल जो बुद्ध को जानते हैं और जो पढ़ते हैं वो दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो बुद्ध को भक्ति भाव से पढ़ते हैं, अत अध्ययन से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी से या आत्म अध्ययन से पढ़ते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो देखते हैं कि इनका वैज्ञानिक या इनका जो व्यवहारिक पक्ष है वो क्या है। वैज्ञानिक और व्यवहारिक जो पक्ष है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। मैं यहाँ सभी लोगों को बता दूं कि भगवान बुद्ध कभी संघ से ऊपर नहीं रहे, वो संघ के अंदर ही आते थे। उन्होंने संघ के नियमों में चुनाव का नियम किया है। ये जो भारत के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है जिसको चुनाव आयुक्त तो बोलते हैं, और जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया है, ये भगवान बुद्ध के पहले, सबसे पहले चुनाव आयुक्त के नियम के अनुसार ही लिया है। वहाँ जब भी कोई नया नियम बनना होता था या कोई वाद विवाद आता था तो सारा भिक्खु संघ वहाँ इकट्ठा होता था, वहाँ समस्या रखी जाती थी, उस समस्या पर वहाँ बातचीत होती थी, उस बातचीत पर वहाँ डिस्कशन होता था, डिस्कशन होने के बाद में एक निर्णय होता था। वो निर्णय जो होता था वो मत के आधार पर होता था, बहुमत के आधार पर। एक भिक्खु ऐसा तलाश किया जाता था जो चुनाव आयुक्त की भूमिका को निभा सके, उसकी कुछ शर्तें होती थीं। वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसका झुकाव किसी की तरफ नहीं होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए और उसका मन पूरी तरह से साफ होना चाहिए। वो दो तरह की तिलियां या लकड़ियां इकट्ठी करता था, एक हरे रंग की और एक पीले रंग की, या अलग अलग रंग की। वो कहता था कि जो लोग इस मत के हैं वो ये वाली डंडी उठाएंगे और जो इस मत के हैं, दूसरे मत के हैं, वो ये वाली डंडी उठाएंगे। भिक्खु वहाँ पर हरे रंग की, क्योंकि हरे रंग की डंडियाँ होती थी उस समय पेड़ों से, और पीले रंग की बांस की होती थी या पके हुए किसी पेड़ की या किसी तिनके की, वो डंडियाँ उठाते थे। वो एक हाँ और एक ना में होती थी या दोनों मतों में, दोनों मतों के पक्षधर की होती थी। उनको काउंट किया जाता था और बहुमत से जो फैसला होता था वो माना जाता था। बुद्ध भी वो फैसला मानते थे, वो संघ से ऊपर नहीं थे। इसलिए यहाँ भी जो फैसले होंगे, यहाँ भी जो बात होगी, वो बाबा साहब के संविधान के अनुसार जैसा उन्होंने दिया है वैसे ही होगी। यहाँ सारी चीज़ें चुनाव से होंगी, यहाँ मनोनीत या सेलेक्टिव नहीं होंगी, यहाँ डिसीजन लोग अपने आप करेंगे। अभी इकट्ठे होने का प्रोसेस है, जब इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे और इतनी संख्या हो जाएगी कि वो अपने आप को चुन सकें, चुनाव करा सकें, तो सारा का सारा संविधान के अनुसार ही होगा, संघ के नियमों के अनुसार ही होगा, चुनाव के अनुसार ही होगा। और यही लोग जितने भी हैं, क्योंकि बाबा साहब के संविधान में सारी बात है, वैसे ही चलेंगे। फिर भी कोई अगर चीज़ नई आती है तो बाबा साहब के संविधान में प्रावधान है कि बहुमत एक नया नियम बना सकती है, तो वो नया नियम बनाया जा सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक है नहीं। सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं, इसलिए संघ में भी चुनाव की प्रक्रिया है और बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके अंदर भी चुनाव की प्रक्रिया है, और यही सबसे अच्छी प्रक्रिया है। इसमें जो व्यक्ति मेहनत करेंगे, जो व्यक्ति ज़्यादा जानकार होंगे, जो ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, ज़्यादा संपर्क करेंगे, उनको लोग पसंद करेंगे, उनको चुनाव में जिताएंगे, वो अच्छी काम करेंगे। अगर वो अच्छा काम नहीं करते हैं तो अगली बार लोग उनको गुड बाय टाटा बोल देंगे। क्योंकि बाबा साहब का जब संविधान बचाने की बात है तो सबसे पहले बाबा साहब का संविधान वी द पीपल के अंदर लागू होना चाहिए। ऐसा होना बड़ा ही बेकार की बात है कि हम बात तो करें कि संविधान को बचाना है और अपने संगठन में हम असंवैधानिक चीज़ों को लागू करें, संविधान की बात ही ना करें, चुनाव की बात ही ना करें, या चुनाव भी करें तो दिखावे के लिए करें, या नौटंकी के लिए करें, या बंद कमरे में करें, या उसको अनाउंस ना करें, या पूरी तरह से उसके परिणाम को बदल दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सारे संगठन जितने भी हैं वो सारे के सारे अलोकतांत्रिक हैं, उनके अंदर कहीं संविधान भारत का लागू नहीं होता है, इसलिए वो सारे संगठन फेल हैं, उनके उद्देश्य पूरे नहीं होते। कोई कह सकता है कि हम तो अपने लोगों का रोटेशन करते हैं, भाई रोटेशन ही करते हैं, चुनाव नहीं करते हैं, पब्लिक नहीं चुनाव देती, उनके जो मेंबर हैं वो चुनाव नहीं करते। और अगर कहीं कोई चुनाव का कोई नौटंकी भी करता है
तो गुटबाजी ज़्यादा करता है, पैसे वैसे ज़्यादा बढ़ते हैं, दावतें चलती हैं, शराब चलती हैं, तो बुरी चीज़ का भी रिजल्ट बुरा ही आता है। कोई व्यक्ति अगर आपको पैसा देगा या आपको शराब पिलाएगा या आपको दावत देगा या आपको अपना भाई नाता रिश्ते के नाम पे आपको दुहाई देगा और आप उसको चुन के ले आएंगे तो वैसे ही परिणाम आएंगे। वो तो अपना पैसा निकालेगा, वो तो अपनी रिश्तेदारी निकालेगा, वो तो पैसा बनाएगा या आपका क्यों फ़ायदा करेगा, क्योंकि आपको तो उसने पैसा दे के खरीदा है। इसलिए यहाँ ऐसी कोई चीज़ होने की संभावना है नहीं। अगर होगी, जो संभावना अगर कभी आएगी भी, तो संविधान के अनुसार ही उसको ठीक भी किया जाएगा। धन्यवाद। Thank you.